दरअसल वाराणसी के कैंट इलाके में हुए पुल हादसे के बाद सेतु निगम के अधिकारियों पर शिकंजा कसने लगा है। ऐसे में एसपी क्राइम ज्ञानेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सेतु निगम कार्यालय पहुंचकर निलंबित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों से बंद कमरे में पूछताछ की है। एसपी ने बताया कि सेतु निगम के अधिकारियों से प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट और कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। एसपी ने बताया कि जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, जिसके बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर के आर सुदन का कहना है कि हवा की वजह से 55 टन का स्पाइन खिसक गया। आर सुदन का कहना है कि वो आज से पुल निर्माण नहीं कर रहे और कोई लापरवाही नहीं हुई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो अभी जांच जारी है, ये बात एसपी क्राइम ने कही है और जांच के आधार पर जिम्मेदारी तय होने के बाद गिरफ्तारी होगी। देखिए, जो अभी हादसा हुआ है कैंट के पास, इस संबंध में सिलगा थाना में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसके जांच और विवेचना हमारे क्राइम ब्रांच को मिली है। उसी सिलसिले में हम लोग सेतु निगम के ऑफिस आए थे और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन इस परियोजना से जुड़े अधिकारी हैं उनके बारे में जानकारी का प्रयास किया गया है और जैसे जानकारी आगे मिलती जाएगी हम लोग इस पर आगे काम करेंगे। अभी इनके जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इनसे बात हुई है। नहीं सर, देखिए लापरवाही की बात है, हम भी ब्रिज बनाते हुए आज से ब्रिज नहीं बना रहे, बहुत सालों से ब्रिज बना रहे हैं। नहीं सर, उस स्पैन में काम नहीं था, उसके बाजू वाले स्पैन में काम हो रहा था। मैं तो वहीं पर था 2 बजे तक। नहीं, रखा नहीं गया था, वहीं कास्ट हुआ था वो। नहीं साहब, पिलर नहीं देखिएगा, ऊपर से साहब ऊपर से सरिये से हमें जोड़ रखे हैं, जोड़ रखा उसे भाई आंधी का सरिया जोड़ रखे तो जोड़ रखे है ना, अभी तो सब खड़े हैं ना।